नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टूडेंट साथी। साथियों, काफ़ी सारे साथियों का रेगुलर ये डिमांड था कि जो भी बुक्स आप रिव्यू करते हो अपने चैनल पे, उसके जो भी इंपॉर्टेंट पेजेस हैं या फिर इंटायर बुक का आप एक मास्टर वीडियो बनाइए। तो आपका तो जानते हैं, आप कमांड दीजिए और उसका फॉलो ना हो, आपके आदेश का पालन करना तो हमारा कर्तव्य है साथियों। तो अभी नवरात्रि चल रहा है और इससे बेहतर दिन नहीं था इस चीज़ को शुरुआत करने का। और मैं ये भी बता दूं कि ऐसे वीडियोस जो हैं मास्टर वीडियोस, ये आपको रेगुलरली हमारे चैनल पर मिलेंगे साथियों। तो एक और बहाना मिल गया आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। तो अभी जो है करंट अफेयर्स के समसामयिकी विविध को हम लोग देखेंगे। और ये करंट अफेयर्स मैं बता दूँ, 1 अप्रैल 2022 यानी कि ये बुक जो है कल आई है। और इस बुक का जो है इंटायर हम लोगों ने रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है और ये स्पीडी पब्लिकेशन की करंट अफेयर्स की बुक है, जिसमें आपको 1 अप्रैल 2022 तक का करंट अपडेट मिलता है। मतलब ये सबसे लेटेस्ट बुक है मार्केट में। तो मिसलेनियस वाला जो टॉपिक होता है समसामयिकी विविध, जिसको कहते हैं हम लोग करंट अफेयर्स मिसलेनियस, उससे हमेशा देखा गया है कि 4 से 5 क्वेश्चंस या करीब करीब 8-10 क्वेश्चंस भी आते ही आते हैं डेफिनेटली। अब इधर आप स्पीडी पब्लिकेशन की बुक देख लो या फिर आप एडिटेरिया की बुक देख लो या किसी भी पब्लिकेशन की बुक देख लो। तो हम लोगों ने जो है स्पीडी से शुरुआत की है क्योंकि अभी लेटेस्ट मार्केट में, और ये जो सेशन है ये अभी हमारे चैनल पे आपको रेगुलरली मिलेगा साथियों। और स्पीडी है, स्पीडी की अभी हम लोग रिव्यू करेंगे और स्पीडी के हम लोग इस मिसलेनियस वाले कंटेंट को देखेंगे। तो आइए, और ये परीक्षाएं जो भी आगामी आने वाली है, लाइक आपकी बीपीएससी सीडीपीओ की परीक्षा हो गई या फिर आपको जो बीपीएससी प्रीलिम्स की जो एग्जामिनेशन होने वाली है उसके लिए बेसिकली ये पूरा कंटेंट होगा। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स आप देख सकते हो समसामयिकी विविध, ये स्पीडी पब्लिकेशन की बुक की है। और शुरू करते हैं हम लोग बुक को। तो रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दर, तो वो क्या क्या है? तो बैंक रेट जो है वो अभी आपका 4.25% है, यानी कि बैंक दर, बैंक रेट। रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट इज 4%, रिवर्स रेपो रेट इज 3.35%। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जिसे हम लोग कहते हैं वह 4%। SLR यानी कि स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, वह है आपका 18%। एंड आपका जो MSF है यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो है 4.25%। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 अप्रैल 2022 तक का ये आपका डेटा है, उसके आधार पे ये जो है रिजर्व बैंक द्वारा नवीनतम मौद्रिक दर है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नागरिकता संशोधन विधेयक CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस पर बहुत हम लोगों ने देखा, काफ़ी सारे आंदोलन भी हुए इस पर। तो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है, और ये भी मैं बता दूं कि ये जो भी PDF है ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा साथियों। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो के फॉर्मेट में आपको ट्यूटोरियल मिलेगा एंड देन हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उसका PDF मिल जाएगा। तो आइए नागरिकता संशोधन विधेयक का क्या अपडेट है। तो नागरिकता संशोधन विधेयक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं नागरिकता संशोधन बिल यानी कि CAB जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है, वो 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। ठीक है, ये आपका डेट जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 9 दिसंबर 2019 को और 11 दिसंबर 2019, तो ये डेट आपका हो गया। इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया, साथ ही दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के अनुमोदन हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन गया। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया यहाँ पे। उसके बाद अब 11 साल के स्थान पर 5 साल भारत में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला 126वां संशोधन बिल है। तो ये आपका लोकसभा में पास होने वाला 126वां संशोधन बिल है। अब आइए हम लोग दूसरे टॉपिक पे देखते हैं। तो भारत का नया मानचित्र जो है, वो भारत के नए मानचित्र पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया, जिसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया गया है। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश आपके बनाए गए हैं, इसको दर्शाया गया है। और ये मैप जो है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये हो सकता है कि दादरा और नगर हवेली, जो दादरा एंड नगर हवेली विच इज़ अ यूनियन टेरिटरी, और आपका दमन और दीव जो कि एक, ये भी एक यूनियन टेरिटरी था, तो इन दोनों का विलय हो गया। तो इसके पश्चात जो है 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। तो आपके दो यूनियन टेरिटरीज के मर्जर के बाद जो है आपका यूनियन टेरिटरी का संख्या जो है 8 हो चुका है।
तो अब आइए भारत का नया संसद भवन, इससे महत्वपूर्ण तथ्य जो जो है। तो नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी गई। इसका जो निर्माण है वो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत आपका होगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत जो 2022 में आपका इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। और इस संसद भवन के निर्माण का जो ठेका है वो टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है। और इसका जो बजट है वो है 861.90 करोड़ रुपए में इसका टेंडर दिया गया, मतलब ठेका दिया गया इसका। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं। तो भारत भवन का डिज़ाइन जो है HCP डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। नए संसद भवन का जो आकार है वो त्रिभुजाकार होगा, जिसमें 4 मंजिल होंगे, मतलब 4 फ्लोर्स इसमें होंगे, ये इम्पोर्टेंट है। नए संसद भवन के निर्माण में कुल 971 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। नए संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला होगा। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र में 1,224 लोग बैठ सकेंगे और नए संसद भवन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी। ये आपका हो गया संसद भवन से इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स था, जो भी नंबर था, जो भी डेटा था आपके साथ हमने शेयर किया। उसके बाद आप देख सकते हो, मैं फिर से बता दूं कि इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में साथ ही हम लोगों ने दे रखा है, वहाँ से आप जाके लिंक चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर ट्यूटोरियल हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली मिलेगा, 2.5 बुक्स का लगभग। और सुरक्षा परिषद के नए स्थायी सदस्य कौन कौन है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा परिषद के नए स्थायी सदस्य जो है 1 जनवरी 2021 से भारत, आयरलैंड, मेक्सिको, नॉर्वे और केन्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बन गए हैं। इनकी 2 वर्ष की सदस्यता 31 दिसंबर 2022 तक प्रभावी रहेगी। तो मतलब इंडिया जो है अभी सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य में 1 जनवरी 2021 को शामिल हुआ है और इसकी जो सदस्यता है 31 दिसंबर 2022 तक प्रभावी रहेगी, ठीक है। भारत के प्रमुख रामसर साइट्स, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 और 22 का ये जो रामसर साइट्स का जो सूची है ये आ चुका है और इसके हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पॉइंट्स को। बखीड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। उसके बाद खिजड़िया पक्षी अभयारण्य जामनगर गुजरात, ये सारा आपका रामसर साइट्स है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में किसी भी रामसर साइट से आपको पूछ सकता है, तो इससे रिलेटेड आपका यहाँ पे आपको फैक्ट्स मिल रहा है। हैदरपुर आर्द्र भूमि क्या है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ, झज्जर हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम हरियाणा। उसके बाद थोल झील वन्य जीव अभयारण्य महसाना गुजरात। बाधवाना आर्द्र भूमि वडोदरा गुजरात। तो आप इसमें देख सकते हो वीडियो में, ये सारे आपके प्रमुख पूरे रामसर साइट्स की सूची है। ये आपके रामसर साइट्स की जो है सूची है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें आपका बताया गया, जैसे बिहार से भी आपका काबरताल झील जो है बेगूसराय में जो पड़ता है वो भी आपके रामसर साइट्स में, उसको भी जगह मिले 2020-22 में। उसके बाद आप देख सकते हो केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित गुरदासपुर पंजाब, नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य नासिक महाराष्ट्र, सरसई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश, शांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई उत्तर प्रदेश, ये सारे आपके रामसर साइट से साथियों। उसके बाद आप देख सकते हैं इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ईरान के शहर रामसर में ये हुआ था 1971 में। और रामसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू था तो 21 दिसंबर 1975 को। ये रामसर से इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। भारत रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष शामिल हुआ, तो 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है, तो 49, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। करेंट अफेयर्स ये आपका 1 अप्रैल 2022 तक का है, तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे होंगे तो पूरा देखिए, तो आपका जो भी करेंट अफेयर्स का रिविजन है एंड लेटेस्ट अपडेटेड जो भी करेंट अफेयर्स का कॉन्टेंट है वो हम आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं। स्पीडी का मिसलेनियस वाला करेंट अफेयर्स से हम, ठीक है।
तो ये आपका मिसलेनियस वाला टॉपिक है। उसके बाद आप देख सकते हो भारत में किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है, तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट्स है, तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स है। उसके बाद सर्वाधिक आद्र भूमि क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, जो कि 74,700 स्क्वायर किलोमीटर जिसका रेडियस है। उसके बाद विश्व आद्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। तो ये सारा आपका इंपॉर्टेंट हो गया रामसर साइट से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे, मिशन चंद्रयान 2 जो है उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो इसरो के अध्यक्ष के सिवन थे, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, के सिवन जो थे चंद्रयान 2 के टाइम पे जो है इसरो के अध्यक्ष थे, ठीक है। चंद्रयान मिशन 1 को 22 अक्टूबर 2008 को जी माधव नायर की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV-C2 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया चंद्रयान मिशन 2 से रिलेटेड मिसलेनियस वाले, ठीक है। उसके बाद आइए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी से इम्पोर्टेंट जो भी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 5 फरवरी 2022 को संत श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के अवसर पर हैदराबाद तेलंगाना में शमशदाबाद के पास मुंचल में 216 यानी कि 68.5 मीटर ऊंची बैठी हुई स्थिति में विश्व की दूसरी बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी समानता की मूर्ति का अनावरण किया, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, ठीक है, ये संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। उसके बाद यह प्रतिमा श्री चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम के परिसर में भद्रावेदी नाम की 54 फीट ऊंची बेस बिल्डिंग पर स्थापित की गई है। और इससे इंपॉर्टेंट जो भी आपका पॉइंट्स है वो आप इसमें देख सकते हो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी से रिलेटेड। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी से क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बेसिकली किनकी है, तो वो रामानुजाचार्य की है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में शमशादाबाद में स्थित है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा में किया था, और इनका ये किनकी प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। उसके बाद भारत में लॉकडाउन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य को हम लोग देख लेते हैं। तो भारत सरकार के आगामी लक्ष्य की अगर बात की जाए, तो आप देख सकते हो भारत सरकार के जो भी आगामी लक्ष्य है, किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य है, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा जो है 17% से 25% करना है, देश के सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य है। ये सारा जो है आपका इंडिया का अभी लक्ष्य है, भारत सरकार का जो भी है आगामी ये लक्ष्य है। उसके बाद आप भारत में लॉकडाउन से इम्पोर्टेंट फैक्ट देख सकते हो, तो इसमें आप देख सकते हो जनता कर्फ्यू जो लगा था, उसके बाद लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, लॉकडाउन 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं भारत की पहली किसान रेल, किसान रेल से इम्पोर्टेंट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो किसान रेल की शुरुआत जो है 1 अगस्त 2020 को रेल मंत्री पीयूष गोयल एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था। और इसका आप देख सकते हो महाराष्ट्र के देवबली से बिहार के दानापुर तक ये ट्रेन चली थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों को कम समय में जो है खराब होने वाले उत्पादों को जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचाने का लक्ष्य, मतलब किसान जो भी उत्पाद पैदा करते हैं उसको जल्द से जल्द मार्केट तक पहुंचाना बिफोर डिकम्पोस्टिंग। कभी कभी होता है कि किसान भाई हमारे पैदावार तो अच्छी करते हैं, बट किसी कारण से, डिले के कारण से जो भी है वो ख़राब हो जाता है जो भी क्रॉप्स हैं। तो इसके कारण ये आपका किसान रेल चलाया गया था, रेल मंत्री पीयूष गोयल थे उस टाइम पे, एंड कृषि मंत्री आपके नरेंद्र सिंह तोमर थे। उसके बाद दक्षिण भारत में ये जो है देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत हुई थी 9 सितंबर 2020 को, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और 100वां किसान रेल का शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल तक किया गया था। तो ये साथियों था आपका आज का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये पहला वीडियो था हमारा जिसमें हम लोगों ने मास्टर वीडियो सेशन में आपके साथ हम लोग जुड़े, और इसमें हम लोगों ने देखा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, मिसलेनियस फैक्ट्स जो कि आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक BPSC CDPO की बात कर लो या BPSC 67वीं प्रीलिम्स की बात कर लो, ये सब समयकीय विविध यानी कि करंट अफेयर्स मिसलेनियस का ही आपका पूरा एंटायर टॉपिक था। SPD पब्लिकेशन की बुक से ये इस कंटेंट को हमने आपके साथ शेयर किया मिसलेनियस का। और SPD पब्लिकेशन का ये जो अपडेट था ये 1 अप्रैल 2022 तक का अपडेट था। तो थैंक यू साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो विद अस, और ऐसा रेगुलर वीडियोस आपके साथ अब हम शेयर करेंगे हमारे स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन साथियों। थैंक यू सो मच, थैंक यू।